बरेली में परिवार में विवाद को लेकर जहरीला पदार्थ खाने से युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मृतक के परिवार वालों ने जहर देकर मारने का आरोप लगाया है कि जीजा ने दोनों सगे भाइयों ने शराब के नशे में जमीन अपने नाम करा ली थी, जिसका वह विरोध कर रहे थे। आरोप है कि इसी को लेकर दोनों भाइयों ने जहर देकर युवक की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। थाना फरीदपुर क्षेत्र के मोहल्ला परा के रहने वाले 45 वर्षीय लाल बहादुर पुत्र रीतराम खेती किसानी करते थे। वह शराब के भी आदी थे। लाल बहादुर, विजय बहादुर और राम बहादुर तीन भाई हैं। तीनों भाई के पास बराबर की जमीन है। आरोप है कि दोनों भाई विजय बहादुर और राम बहादुर अपने भाई लाल बहादुर की जमीन को अपने नाम कराने की कोशिश करते रहते थे। ये हमें जो फ़ोन पे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये दो भाइयों का बंटवारा हो रहा था, तीनों भाइयों का, और तीनों भाइयों में बंटवारा होते होते इनको विवाद हुआ, वही कि माँ के पास वो लड़की शादी करी थी बड़े भाई ने और छोटे भाई ने, तो वो बीच वाले भाई जो लाल बहादुर हैं उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन बेचारों के पास पैसे खुद ही नहीं खाने को थे, तो वो कहाँ से देते, उन पर पैसे नहीं थे। अब शादी हो गई तो उन्होंने 10 लाख रुपए उनकी माँ पे थे और 10 लाख वो भी उस शादी में लगा दिए, और 2-2.5 बीघे ज़मीन थी वो पिताजी की ज़मीन थी वो लड़की के नाम पर, वो भी बेच के उन्होंने कह दिया हमने शादी में लगा दी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नज़र हर खबर पर।